हेलो फ्रेंड्स, प्रीति निटिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम आपके लिए सिंगल कलर का पैटर्न लेकर आए हैं। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये जो हमारा पैटर्न है, ये आप कितने भी फंदों में बना सकते हैं, अपनी मर्जी अनुसार इसमें फंदे डालिए। ये सभी फंदों में बनकर तैयार हो जाता है, ये देखिए। और टू रो का हमारा ये पैटर्न है और राइट साइड से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको इसी के ऊपर से बनाकर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। पैटर्न जो है हमारा राइट साइड से शुरू होगा। पहला फंदा उतार लेते हैं एज स्टिच, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों फंदों के बीच से यहां से एक फंदे को निकाल लेना है, और ये वाला फंदा हमें उतारना नहीं है, और इसे भी ऐसे सीधा ही बुन लेना है। ये देखिए, फर्स्ट रो हमें ऐसे ही बनानी है। अब फिर हम एक फंदा निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच से, ये देखिए। ये देखिए, इस तरीके से बुन लेना है। फर्स्ट रो में फ्रेंड्स हमारे इसमें जो है डिजाइन में फंदे बढ़ जाते हैं, ये देखिए। फर्स्ट रो हमें पूरी की पूरी ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये वाला जो डिजाइन है हमारा जेंट स्वेटर के लिए तो काफी अच्छा है। अगर आप किसी भी जेंट स्वेटर में ये वाला डिजाइन बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बन के आता है। और ये वाला पैटर्न बनाते समय हमें थोड़ा सा फंदों को लूज रखना है, ताकि हमको सेकेंड रो में थोड़ी आसानी हो जाए बनाने में। और इसमें मैंने 10 नंबर की नीडल यूज की है। यहाँ पर लास्ट में हमारे ये दो फंदे बचे हुए हैं, अभी इनके बीच से भी हम एक फंदे को निकाल लेते हैं। और जो लास्ट वाला फंदा है, ये देखिए, लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे ही बुन लेते हैं, ये देखिए। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी सेकंड रो बनाएंगे रोंग साइड। फ्रेंड्स, ये देखिए, रोंग साइड से वाला पैटर्न हमारा ऐसा बन के आता है, और राइट साइड से ऐसा। ये देखिए, पहला फंदा एज स्टिच उतार लेना है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर फंदा बड़ा हुआ था, अब हम इसे इसमें बुन लेना है। देखिए, ये दो दो के जोड़ करके सभी फंदे दिखाई देंगे इसमें। इन दो दो के जोड़ करे हुए फंदों को हमें एक बना लेना है। देखिए, ये फंदे हमारे दो हैं, इन फंदों का हम यहाँ पर एक फंदा बना लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए। एक एक करके हमें इस तरह से ही बना लेना है। सेकंड रो पूरी की पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है।
देखिए लास्ट में हमारे यहाँ पर तीन फंदे बच जाएंगे, दो फंदों को हम यहाँ पर एक कर लेते हैं और ये जो लास्ट का फंदा है इसे सिंगल ही बुन लेना है। ये देखिए सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए कि हमारा ये पैटर्न बन के आ गया है। ये देखिए एक डिजाइन हमने आपको बनाकर दिखाया है, ये टू रो का पैटर्न है हमारा। आप इसके ऊपर ऐसे ही रिपीट कीजिए तो ये आपका पैटर्न बन के बहुत ही अच्छा बन के आएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक व कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।